बिहार की स्थिति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बद से बदतर होती जा रही है। गृह विभाग आपके हाथ में है और आपके पुलिस पर अब ये आरोप लग रहा है कि आपके पुलिस जो है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। आज एक मामला बेगूसराय से सामने आया है कि फिटनेस का राज क्या है। एशफेल रस ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। आपको बताते चले कि दो व्यक्ति जो है वो बुलेट से जा रहे होते हैं, पति और पत्नी, और पत्नी से जो है मोबाइल छीन लिया जाता है और उसका जब पति विरोध करता है तो पत्नी के सिर में गोली मारकर अपराधी जो है भाग जाते हैं। जी हाँ, बता दें कि बिहार में जो अपराधी घटनाएं हैं वो लगातार अपराधी घटना जो है वो बढ़ती जा रही है और उस पर आपकी पुलिस जो है वो बिल्कुल कोई किसी भी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जी हाँ, किसी भी तरीके का कोई कार्रवाई आपकी पुलिस नहीं कर रही है और आप ये जो लगातार दावा करते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो है वो सुधरी है, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवाल करना जो लोग करते हैं, विपक्ष में बैठे लोग हो या पत्रकार हो, आप पर जब सवाल खड़ा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल करा करते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरे तरीके से जो है मतलब घटिया है, मतलब कि गलत तरीके से जो है लगातार आपराधिक घटनाएं जो है वो बिहार में घट रही है, लगातार मौतें हो रही है, बताइए कि कितना ये कहना सही होगा कि बिहार में जंगल राज नहीं है। देखिए ये बात लगातार उठते आ रही है कि बिहार में जंगल राज है, लेकिन अगर आपसे सवाल किया जाता है तो आप डेवलपमेंट की बात करने लगते हैं, आप पत्रकारों पर भड़क जाते हैं, आप उसकी जवाबों को जो है उस जवाब को जो है सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब भी पत्रकारों ने यह सवाल किया कि सर बिहार में इस जगह मौत हुई है तो वो इतना करके टाल देते हैं कि अरे हम देख नहीं रहे हैं, कितना कह रहे हैं, हमारा पुलिस लगातार सचेत है, सड़कों पर है, लेकिन कहां सचेत है, कहां सड़कों पर है, कहां वो देख रहा है, वो पुलिस आपका जो है अनदेखा कर रहा है। जी हां, वहां आज बेगूसराय में जो इस घटना घटा है वहां के तमाम लोग जो है वो उन्होंने बताया है कि पुलिस को लगातार शिकायतें की जाती है, पुलिस को लगातार कहा जाता है कि देखिए इस एरिया में जो है लगातार लूट हो रही है, डकैती हो रहा है, हत्या हो रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो आपकी बिल्कुल सोई हुई है। और अब जो है अब पुलिस जो है कहती है कि जब कुछ हो जाता है तो हम इस पर जांच करेंगे, हम इस पर पड़ताल करेंगे, तो जांच पड़ताल कब करेंगे। देखिए लगातार बिहार में जो है अब आपराधिक घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है और इस पर जो है लगाम लगाना, इस पर अंकुश लगाना जो है वो पुलिस का सबसे पहला काम है। लेकिन आपकी पुलिस जो आपने बिहार में डीजीपी आर एस भट्टी को लाया वो क्या कर रहे हैं, उनकी पुलिस क्या कर रही है, आखिर डीजीपी आर एस भट्टी जो है वो क्या चाहते हैं, क्यों अपने अधिकारियों को नहीं समझा रहे हैं, क्यों अपने अधिकारियों को कह रहे कि सड़कों पर आओ। आखिर उनका जो ये कहना जब वो आए बिहार में तो उनका कहना था कि अपराधियों को दौड़ाओ, अपराधियों के पीछे मत भागो, तो आखिर अपराधियों को कहां दौड़ा रही है आपके पुलिस, आखिर अपराधी कहां भाग रहे हैं। देखिए लगातार सवाल जो है लॉ एंड ऑर्डर पर बिहार में उठता आ रहा है और एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल जो है बिहार में उठेगा, क्योंकि जिस तरीके से यह घटना हुई है बेगूसराय में कहीं ना कहीं यह बहुत शर्मनाक है और इस तरीके का घटना लगातार बिहार में घट रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पुलिस है या जो प्रशासन जो तमाम लोग हैं बिल्कुल जो है आंख बंद करके बैठे हैं। जी हां, लगातार आंख बंद करके बैठे हैं। जिस तरीके से बिहार में घटना घट रही है एकदम बिल्कुल नहीं कहना गलत होगा कि बिहार में जंगल राज वापस नहीं आया है, बिहार में कहीं ना कहीं जंगल राज वापसी हुई है, इस बात को माननी पड़ेगी। देखिए अब आप हमको आपका कहिएगा कि एक प्रवक्ता के तरह हम विपक्ष के प्रवक्ता बन गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम एक पत्रकार हैं और हमारा सवाल करना हमारा जो है काम है और जवाब देना आपका काम है। जिस तरीके से बिहार में आप खुद कि बिहार में कहां जो है लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल लग रहा है, कहां बिहार में हत्या लूट डकैती जो है वो होना बंद हो गया है। देखिए लगातार इस तरीके का मामला सामने आ रहा है और आपके पुलिस इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, तो कहीं ना कहीं अब आपको गृह विभाग जो है मुख्यमंत्री जी छोड़ देना चाहिए, जो आपकी पुलिस है, या नहीं तो आप उसको समझा लीजिए, उनको समझाइए बैठा कर अच्छे से जो है, जिस तरीके से आप कहते आते हैं कि हमने लगातार जो है हम लोगों से बातचीत करते रहते हैं, तो आप अपने पुलिस से एक बार बात करिए कि क्या आखिर बिहार में चल रहा है। आखिर बिहार में जो आपकी पुलिस जो ये कहती है कि हम तो लगातार सड़कों पर रहते हैं, रोड पर रहते हैं, लगातार जो अंकुश है तमाम अपराधियों पर वो हम लगातार लगा रहे हैं, तो कहां लगा रहे हैं। देखिए सवाल लगातार हमारा जो है वो हम करते रहेंगे। जिस तरीके से आपके प्रशासन, आपका जो पुलिस है, जिस तरीके से गलत तरीके से जो है लोगों को
संरक्षण दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो बिहार के जो गृह विभाग में जो अपर मुख्य सचिव हो या बिहार के डीजीपी हो, तमाम लोगों पे आपकी जो पुलिस प्रशासन है तमाम लोगों पे जो है वो सवाल जो है वो खड़ा होगा। और ये तब तक सवाल खड़ा होगा जब तक आपकी पुलिस जो है वो सचेत नहीं हो जाती है, सड़कों पर जो है वो नहीं रहती है, जब तक लॉ एंड ऑर्डर पर जो है वो अंकुश नहीं लगा लेती है, तब तक ये सवाल खड़ा होते रहेगा। अब जो भी अपडेट होगा हम देते रहेंगे। बहरहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।